देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स लिखा हुआ है, रोटेट कमांड, रोटेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड ए बेस पॉइंट टू एन एब्सोल्यूट एंगल, किसी खास एंगल पर किसी ऑब्जेक्ट को एक बेस पॉइंट के थ्रू रोटेट करना। ये मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्टकट की आर ओ होता है। पहले हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जब तक आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक आप मॉडिफाई मेन्यू के जितने कमांड्स हैं उसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद बेस पॉइंट, उसके बाद है स्पेसिफाई एंगल, उसके बाद है रोटेट विथ कॉपी और फिर रोटेट विथ रेफरेंस एंगल। अब मैं ऑटो कैड का स्क्रीन ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। रेक्टेंगल को मैं रोटेट करूँगा तो आपको समझ में आएगा, अगर मैं सर्किल को रोटेट करूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। रोटेट कमांड को यूज़ करने के लिए आएंगे मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ पर है रोटेट कमांड, मूव कमांड के जस्ट नीचे है रोटेट कमांड, या फिर आप इसका शॉर्टकट की आर ओ भी लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे तब भी आप रोटेट कमांड को यूज़ कर पाएंगे, या होम टैब के अंदर मॉडिफाई पैनल में आपको रोटेट कमांड मिलेगा, ये है रोटेट कमांड का सिंबल। मूव कमांड के जस्ट राइट साइड में है रोटेट कमांड, यहाँ से भी आप रोटेट कमांड को यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मुझे इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए या तो इस पर मैं ये जो आप अभी पिक बॉक्स का सिंबल देख रहे हैं इस पिक बॉक्स के थ्रू इस पर मैं क्लिक करूँगा तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर इसे क्रॉसिंग के थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इंटर की प्रेस करना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आगे का ऑप्शन नहीं आएगा। इंटर की प्रेस किया मैंने, अब पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट से रोटेट करना चाहते हैं, जिस पोजीशन से आप रोटेट करना चाहते हैं वो पोजीशन आपको सिलेक्ट करना होगा बेस पॉइंट के रूप में। ठीक है, जैसे मैं इस वाले कॉर्नर से इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा, यानी बेस पॉइंट सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, कितनी डिग्री पर इसको आप रोटेट करना चाहते हैं। जैसे मैं फ्री हैंड भी कहीं पर क्लिक कर दूँगा तब भी वो रोटेट हो जाएगा उस एंगल पर, क्योंकि मैं फ्री हैंड क्लिक करूँगा तो जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा उतने एंगल पर वो रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी खास एंगल पर रोटेट करना चाहते हैं तो वो एंगल वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको देना चाहता हूँ 45 लिख के इंटर की प्रेस करेंगे तो ये जो रेक्टेंगल आपने अभी देखा कि जो 0 डिग्री पे बना हुआ था वो रोटेट हो गया है 45 डिग्री पर। अब इसका एंगल चेक करना होगा कि ये 45 डिग्री पर रोटेट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए पहले मुझे एक बेस लाइन बनाना होगा इसी पॉइंट से, और वो बेस लाइन कितनी डिग्री पर बनाना होगा 0 डिग्री पे, क्योंकि पहले से ये ऑब्जेक्ट 0 डिग्री पे बनी हुई थी। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरा जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट बने। तो यहाँ से लाइन कमांड को यूज़ कर लेंगे, ड्रॉ पैनल के अंदर लाइन कमांड है, और इस एंड पर क्लिक करके फ्री हैंड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि बेस लाइन होगा हमारा। इसी बेस लाइन से ये जो रेक्टेंगल है वो रोटेट हुई है। ठीक है, अब रोटेशन एंगल चेक करने के लिए करना क्या होगा, उसके लिए आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, यहाँ पर है एंगुलर कमांड, इस पर क्लिक करेंगे। मैसेज देगा सेलेक्ट आर्क सर्कल लाइन, यहाँ पर हमारे पास दो लाइन है, एक बेस लाइन एक रेक्टेंगल का ये वाला साइड जो कि लाइन के रूप में है। इस दोनों लाइन को बारी बारी से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डायमेंशन इसका निकल जाएगा। अब इसको कहीं पर प्लेस करना होगा, कहीं पर आप क्लिक करेंगे तो वो डायमेंशन उसका फिक्स हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं 45 डिग्री है, यानी ये जो रेक्टेंगल जिसको मैंने 45 डिग्री पे रोटेट किया है वो बिल्कुल सही रोटेट हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। इसी तरीके से मैं वापस से एक और रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, अब मैं वापस से मॉडिफाई मेन्यू में आता हूँ और यहाँ से रोटेट कमांड पर क्लिक करता हूँ। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर की प्रेस करता हूँ, बेस पॉइंट चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए रोटेशन एंगल है, अगर मैं रोटेशन एंगल डालूंगा तो उतनी डिग्री पे ये वाला जो रेक्टेंगल है वो रोटेट हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये रोटेट हुआ था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो रेक्टेंगल है वो रोटेट भी हो और साथ ही साथ कॉपी भी हो, यानी इससे पहले वाली कंडीशन में क्या हुआ था, जो रेक्टेंगल था वही रेक्टेंगल
रोटेट हो गया, लेकिन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप जिस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट का कॉपी करते हुए उसको आप रोटेट कर सकते हैं, यानी वो कॉपी भी हो जाएगा साथ में रोटेट भी हो जाएगा। जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, जो प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट पहले से बनी हुई है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उसी का ऑब्जेक्ट कॉपी होता हुआ रोटेट हो जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे कॉपी ऑप्शन है, इस कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब रोटेशन एंगल जो आपको डालना है वो डाल दीजिए, जैसे मैं डालता हूँ 60 डिग्री, और 60 डिग्री लिख के यहाँ पे डिग्री नहीं डालना होता, सिर्फ 60 डिग्री का यानी एंगल का वैल्यू डालना होता है, और फिर इंटर की प्रेस कर देंगे। अब आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल यहाँ पर पहले से बना हुआ था जो कि 0 डिग्री पे बना था वो बिल्कुल वैसा ही है, उसी के जैसा एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी होता हुआ कॉपी होकर के रोटेट हुआ है, देख सकते हैं। अब इसका एंगल चेक करना हो बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, इसके लिए हमें बेस लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला जो रेक्टेंगल है उसका ये वाला लाइन ही बेस हो जाएगा, ठीक है। तो आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, यहाँ से एंगुलर कमांड पर क्लिक करेंगे, दोनों लाइन को बारी बारी से सेलेक्ट करेंगे और इसका डायमेंशन कहीं पर प्लेस कर देंगे जो कि होगा 60 डिग्री, क्योंकि मैंने इस रेक्टेंगल को 60 डिग्री पे रोटेट किया है। तो देख सकते हैं कितने आसान तरीके से ये रोटेट हो गया। अब इसी में एक और ऑप्शन है रिफरेंस वाला, यानी रोटेशन कमांड के अंदर एक ऑप्शन है रिफरेंस वाला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और काफ़ी कंसेप्ट बेस्ड ऑप्शन है, जिसको समझना काफ़ी आसान भी है और काफ़ी मुश्किल भी है। देखिए रिफरेंस ऑप्शन जो है रोटेट कमांड के अंदर दिया हुआ है, जिसका मतलब होता है रिफरेंस के थ्रू, यानी पहले आपको ऑटोकैड को ये बताना होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है। पहले आपका ऑब्जेक्ट कितने डिग्री पर बना हुआ है वो हमें बताना होता है ऑटोकैड को, वो जब हम बता देते हैं उसके बाद अब हमें न्यू एंगल पुट करनी होती है कि अब आप उस ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, इसमें यही कंसेप्ट है रिफरेंस वाले ऑप्शन के अंदर, कि पहले आपको ऑटोकैड को ये बताना होता है कि मेरा ऑब्जेक्ट इतने डिग्री पे बना हुआ है, अब नेक्स्ट उसे मैं कितने डिग्री पे रोटेट करना चाहता हूँ वो एंगल वैल्यू आपको डालनी होती है। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें दो एंगल वैल्यू डालनी होती है, सबसे पहले वो एंगल जो पहले से ऑब्जेक्ट का है, यानी चाहे वो 0 डिग्री हो या जो भी हो, ठीक है। अब उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को जितने एंगल पर आप रोटेट करना चाहते हैं वो एंगल वैल्यू आपको डालनी होती है। जैसे मैं अभी एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ वापस से, ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये रेक्टेंगल 0 डिग्री पे बनी हुई है। आते हैं मॉडिफाई मेन्यू में, रोटेट कमांड में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर इंटर की प्रेस करते हैं। बेस पॉइंट पूछ रहा है इस हमें इसको कहाँ से रोटेट करना है, पहले वो पॉइंट हमें फिक्स करना होगा तभी हम इसको रोटेट कर पाएंगे। जैसे मैं इसी पॉइंट को फिक्स करता हूँ, अब यहाँ पर है रोटेशन एंगल, मैं अगर रोटेशन एंगल डाल देता हूँ डायरेक्टली तो उतने एंगल पर वो ऑब्जेक्ट, ये जो रेक्टेंगल है वो रोटेट हो जाएगा, लेकिन मैं रेफरेंस ऑप्शन के थ्रू अगर करना चाहता हूँ तो यहाँ से रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ वहीं पर होता है जहाँ पर हमें पहले से या तो एंगल मालूम हो या एंगल नहीं भी मालूम हो, दोनों कंडीशन में अभी बता दूंगा, अगर एंगल मालूम हो तब भी, एंगल मालूम ना हो तब भी। तो फिलहाल रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल, देखिए यहाँ पर आपको जो ये जो मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल, इसका ये मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अभी कितने डिग्री पे बना हुआ है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो कोई दूसरा एंगल भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होगी। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है वो 0 डिग्री पे बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री डालता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई न्यू एंगल, तो न्यू एंगल मैं डालना चाहता हूँ 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मैं डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो 45 डिग्री पे रोटेट हो गई है। इसको चेक करना होगा तो यहाँ से एक बेस लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी और फिर आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, यहाँ से एंगुलर कमांड पर क्लिक करके इस दोनों के बीच का एंगल चेक कर लेंगे जो कि होगा 45 डिग्री, देख सकते हैं।
मैं यहाँ पे एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे पहले से मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 0 डिग्री पे बना हुआ था, तो मैंने इजीली वहाँ पे 0 डिग्री डाला और वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसके बाद मैंने न्यू एंगल डाला, जितने एंगल पे मुझे उसको रोटेट करना था वो एंगल मैंने डाला और वो उतने डिग्री पे रोटेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता नहीं हो, सपोज़ मैं इस एंगल वाले वैल्यू को इरेज कर देता हूँ, मुझे पता नहीं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिग्री पे है, तो फिर क्या कैसे हम इसको रोटेट कर पाएंगे रेफरेंस एंगल के थ्रू, वो देखिए। आएंगे मॉडिफाई मेन्यू में और रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ से बेस पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, यहाँ से रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल, तो इसका एंगल मुझे पता नहीं है कि ये कितने डिग्री पे है, तो उसके लिए करेंगे क्या, जिस बेस पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया है यानी जिस फेस से हमें इसे रोटेट करना है, जैसे ये वाले फेस से हमें रोटेट करना है इसको, तो उसके लिए इस फर्स्ट इन पॉइंट को और सेकेंड इन पॉइंट को हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही ऑटो कैड हमारा ये समझ जाएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो 45 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है। यहाँ पे आप मैसेज भी देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री पे रोटेट किया हुआ है। अब उसके बाद आपको इसको कितने एंगल पर रोटेट करना है वो एंगल वैल्यू डालिए। जैसे मुझे इसको 60 डिग्री पे रोटेट करना है, तो मैं अब 60 डिग्री डालूँगा तो वो 45 से बढ़ करके 60 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। अब इसका एंगल चेक करना होगा, तो आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, एंगुलर में, और इस दोनों लाइन के बीच का एंगल चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये 60 डिग्री है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि कैसे रेफरेंस ऑप्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। जैसे पहले से मेरा कोई ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री पे बना हुआ है, लेकिन अब उसे मुझे 30 डिग्री पे रोटेट करना है, सेम पोजीशन में अब मुझे उस ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री पे रोटेट करना है, तो वहाँ पर हम रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे आएंगे मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ से रोटेट कमांड पर क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट चूज़ कर लेंगे क्योंकि मुझे इसी बेस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। उसके बाद यहाँ से रेफरेंस वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री पर रोटेट किया हुआ है, तो यहाँ से 60 डिग्री वैल्यू डालेंगे। अब इसे मुझे कितनी डिग्री पर रोटेट करना है, यहाँ पर मैसेज भी देता है स्पेसिफाई द न्यू एंगल। न्यू एंगल मीन्स पहले से वो ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे है, लेकिन अब उसे आप कितने डिग्री पे करना चाहते हैं, तो वो मुझे करना है 30 डिग्री पे। तो जैसे 30 डिग्री डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो पहले 60 डिग्री पे रोटेट था अब वो 30 डिग्री पे रोटेट हो गया है। तो यही है रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ जो रोटेट कमांड के अंदर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कमांड पढ़ते हैं जिसका नाम है स्केल कमांड। यहाँ पर देखिए मैंने स्केल कमांड का भी नोट बनाया हुआ है, स्केल ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफाई फैक्टर। किसी खास फैक्टर पे हम ऑब्जेक्ट को स्केल करेंगे, चाहे वो उसका डबल करना हो, ट्रिपल करना हो, 4 टाइम्स बढ़ाना हो, या उसका हाफ करना हो, क्वार्टर करना हो, तो जितना रिफरेंस जितना स्केल फैक्टर आप डालेंगे उतने स्केल फैक्टर पर वो ऑब्जेक्ट या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। ये भी मॉडिफाई मेन्यू का कमांड है, इसका शॉर्टकट की SC होता है। पहले हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद बेस पॉइंट चूज़ करते हैं, उसके बाद इनलार्ज और रिड्यूस साइज हम डालते हैं, चाहे वो अगर आप उसको बड़ा करना हो तो इनलार्ज स्केल फैक्टर डालेंगे, अगर छोटा करना हो तो रिड्यूस साइज डालेंगे, उसके बाद फिर उसका स्केल फैक्टर डालेंगे, फिर हम स्केल विथ कॉपी भी कर सकते हैं यानी कॉपी करते हुए स्केल कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है स्केल विथ रेफरेंस लेंथ, जो कि अभी हम लोगों ने रोटेट कमांड के अंदर पढ़ा रेफरेंस वाला ऑप्शन, सेम उसी तरीके से स्केल कमांड के अंदर भी है रेफरेंस वाला ऑप्शन, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो आते हैं वापस से इस ऑटो कैड के अंदर। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एट द रेट डाल के 2.2 का 2x2 का एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं ड्रॉ हो चुका है। आते हैं मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ पर है स्केल कमांड, स्केल कमांड को यूज़ करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसको जो है अगर आप शॉर्टकट की से यूज़ करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड में टाइप करेंगे SC और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट,
यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मॉडिफाई पैनल के अंदर आपको यहाँ पर स्केल कमांड मिल जाएगा, इस पर भी क्लिक करेंगे तो स्केल कमांड आप एक्टिव कर सकते हैं। मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर इंटर की प्रेस करते हैं। पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किसी बेस पॉइंट से आप इसको स्केल कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस ये वाला बेस पॉइंट चूज़ करता हूँ। अब पूछ रहा है स्केल फैक्टर, कितना स्केल फैक्टर इसका बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने का यहाँ पर ये मतलब है स्केल फैक्टर इन द सेंस जितना टाइम्स आप इसको बढ़ाएंगे, जैसे 2 times करेंगे तो पहले से जो ऑब्जेक्ट 2x2 का था वो 4x4 का हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ स्केल फैक्टर 2 और इंटर की प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है जस्ट डबल हो गया है। इसका डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशन मेन्यू में आकर लीनियर कमांड पर क्लिक करेंगे और दोनों इन पॉइंट पे क्लिक करके इसका डायमेंशन चेक कर लेंगे। पहले मैंने 2x2 का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था जो कि अब है 4x4 का, देख सकते हैं। तो ये है, अब इसी तरीके से अगर इसका इस ऑब्जेक्ट का मुझे इस ऑब्जेक्ट को घटा के वापस से 2x2 का करना हो तो स्केल फैक्टर क्या करेंगे, यहाँ पर 0.5 कर देंगे, यानी 4x4 के को अगर मुझे 2x2 करना हो तो स्केल फैक्टर क्या करना होगा, 0.5 ही डालना होगा, यानी हाफ करना होगा। तो वापस से आते हैं मॉडिफाई में, यहाँ से स्केल कमांड पर क्लिक करते हैं, मैसेज दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर इंटर की प्रेस करते हैं, बेस पॉइंट यहाँ चूज़ करते हैं। अब देखिए स्केल फैक्टर डालेंगे 0.5 तो जस्ट यही ऑब्जेक्ट जो है वो 2x2 का हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कॉपी करते हुए ये 2x2 का हो, तो यहाँ से कॉपी का ऑप्शन है, इसको यूज़ करेंगे। अब कॉपी के ऑप्शन को यूज़ करने के बाद अब यहाँ पे स्केल फैक्टर डालेंगे 0.5 और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से जो बना हुआ था 4x4 वो तो है ही, उसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हुए ये स्केल फैक्टर 0.5 का यहाँ पर बन गया है। इसका डायमेंशन चेक कर लेंगे लीनियर कमांड में आके, डायमेंशन सही से चेक करना होता है, नहीं तो फिर डायमेंशन आपका जो है वो सही नहीं होगा। 2x2 का है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं। अब देखिए सेम यही चीज़ है स्केल कमांड के अंदर, रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है इसको भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ करते हैं जैसे हम लोग रोटेट कमांड के अंदर यूज़ किए थे। आते हैं, पहले एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और अब आता हूँ मैं मॉडिफाई मेन्यू में और स्केल कमांड पर क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ और फिर इंटर की प्रेस करता हूँ। पूछ रहा है बेस पॉइंट चूज़ करता हूँ, ये रेफरेंस ऑप्शन है, यहाँ से रेफरेंस ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ। मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, देखिए रेफरेंस लेंथ का मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहाँ पर रेफरेंस एंगल का हुआ था। रेफरेंस एंगल में क्या हो रहा था, हमें ऑटो कैड को ये बताना होता था कि अभी जो मेरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो कितने डिग्री पर बना हुआ है, राइट। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी वही लॉजिक यूज़ किया जाता है, अभी जो आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो कितना बड़ा है, तो उसके लिए या तो इसका जो लेंथ है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस साइड से मुझे अगर इसका लेंथ, जैसे मुझे स्केल फैक्टर मैंने यहाँ वाला चूज़ किया है तो ये ऑब्जेक्ट इस रेशियो में बढ़ेगा या इस रेशियो में घटेगा, तो जैसे मुझे इसका रेफरेंस लेंथ देना हो तो इसका लेंथ जितना होगा वो अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तब तो आसान है बिल्कुल, अगर लेकिन मुझे इसका लेंथ पता नहीं तो क्या करेंगे, इस दोनों इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इस दोनों इन पॉइंट पे क्लिक करने के बाद ऑटो कैड जो है वो समझ जाएगा, जितना भी इसका रेफरेंस लेंथ होगा वो ऑटो कैड समझ जाएगा। अब इसको जितना टाइम्स आपको बढ़ाना हो, जैसे मैं मुझे इसको 2 times करना हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है आप देखिए क्या हो जाएगा, डायमेंशन मेन्यू में आइए, लीनियर कमांड में आइए, देखिए ये 2 हो गया। क्यों हो गया 2, पहले से इस साइड का लेंथ जितना था उसको मैंने ऑटो कैड को बताया कि नहीं उतना नहीं करना है, उसको 2 करना है, तो ये 2 कर दिया। अब इस साइड का तो 2 था नहीं, इस साइड का तो मैंने सिलेक्ट किया नहीं था, अब जैसे इस साइड का मुझे मैं सिलेक्ट करता हूँ इसका, जैसे इस साइड का क्या लेंथ है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ चूँकि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंने बनाया है ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर तो स्क्वायर था, चारों साइड बराबर होते हैं, ये रेक्टेंगल है तो 2 sides ही बराबर हो सकते हैं, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, उसी तरीके से इसमें ये साइड बराबर होंगे, ये दोनों आमने सामने वाले, ठीक है। नहीं अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इस साइड का लेंथ जो है रेफरेंस लेंथ ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो 2 हो जाए,
तो मुझे इस साइड का रेफरेंस लेंथ देना होगा। मैंने इस साइड का रेफरेंस लेंथ दिया था, इसलिए ऑटोकैड ने इस साइड का रेफरेंस लेंथ सेट किया, लेकिन मैं इस साइड का रेफरेंस लेंथ 2 करना चाहता हूँ। तो उसके लिए वापस से मॉडिफाई मेन्यू में आएंगे, स्केल कमांड में आएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर का, और यहाँ से अब रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, रेफरेंस लेंथ के लिए मैं इसी दोनों इस साइड के दोनों इन पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। दोनों के इन पॉइंट पर मैंने क्लिक किया। अब मुझे ऑटो कैड को बताना है कि मुझे इस साइड का लेंथ जो है वो 2 रखना है, तो यहाँ से 2 पे 2 लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। तब उसके बाद आप चेक करेंगे डायमेंशन मेन्यू में आके लीनियर कमांड में, देखेंगे कि इस साइड का लेंथ जो है वो 2 हो चुका है। इस साइड का बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर तो है नहीं, ये सेम ही रहेगा, रेक्टेंगल है तो इसका पहले से जितना था, मैंने इस साइड का रेफरेंस लेंथ बढ़ाया, तो जाहिर सी बात है इस साइड का बढ़ेगा तो इस साइड का भी बढ़ेगा, तो इस साइड का पहले से 2 था और बढ़ गया, तो बढ़ करके ये कितना हो गया 3.1544 हो गया। बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाना चाहूँगा, उसके लिए मैंने एक ड्राइंग बना करके रखा हुआ है, ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें हम लोग अभी समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक डोर का सिंबल है जो कि छोटा है, मैं चाहता हूँ कि ये जो डोर का सिंबल है वो एक्चुअल जो डोर है वहाँ तक पहुँच जाए, तो उसके लिए यहाँ पर हम रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आएंगे मॉडिफाई मेन्यू में, यहाँ से स्केल कमांड पर क्लिक करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंटर की प्रेस करेंगे, बेस पॉइंट यहाँ वाला चूज़ कर लेते हैं और यहाँ से रेफरेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब मुझे ऑटो कैड को पहले ये बताना होगा कि ये जो डोर सिंबल है उसका एक्चुअल साइज़ कितना है, क्योंकि मुझे उसको यहाँ तक बढ़ाना है, तो पहले इस डोर सिंबल का एक्चुअल साइज़ ऑटो कैड को बताना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस इंड से इस इंड तक क्लिक करना होगा, जिससे ऑटो कैड को पता चल जाएगा कि इसका लेंथ अभी क्या है। अब इसके बाद मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ मुझे कितना करना है, मुझे यहाँ तक बढ़ाना है इस डोर के इंड तक, तो बस डायरेक्टली उस इंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो डोर पहले छोटा था वो अब बड़ा हो चुका है और एक्चुअल जो डोर साइज़ है वो ऐसा हो चुका है। तो ऐसे ही डोर सिंबल का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आप सभी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।